राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि नंद जी कृष्ण और बलराम से कहते हैं, तुम दोनों को ज्ञात भी नहीं है कि हमें इन गायों का सेवा करने का कितनी सौभाग्य भरा अवसर प्राप्त हुआ है और तुम दोनों को भी इनकी सेवा करनी होगी। तो बलराम कहता है, नहीं बाबा, ये हमारे लिए सेवा का समय नहीं है अपितु यह एक बहुत बड़ी भूल है। तो यशोदा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो बलराम कहता है, मैं ठीक बोल रहा हूँ मैया, ये सब गायों के मध्य में जो ये बैल है, ये एक दुष्ट बैल है। कंस ने इसे हमारे हानि पहुँचाने के लिए यहाँ भेजा है। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, सोच समझ कर बोलो बलराम, सबके लिए ये पशु हो सकते हैं किंतु हमारे लिए गौ वंश हमारे लिए सब कुछ हैं और इनके प्रति कोई अपशब्द मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। तो बलराम कहता है, बाबा बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको कोई अनुचित नहीं कह रहा हूं। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, उचित है जो कुछ भी तुम कह रहे हो, यदि वो सत्य है तो बताओ महाराज कंस ने इस बैल को हमारे घर में कौन सा संकट देने के लिए भेजा है। तो बलराम कहता है, कंस ने इसे यहाँ क्यों भेजा है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये दुष्ट है और ये हम में से किसी को भी हानि पहुँचा सकता है, इसलिए इसका यहाँ हमारे वृंदावन से चला जाना ही हित में होगा। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, तुम इनमें से किसी को भी पशु का अपमान नहीं करोगे और ना ही इन्हें हानि पहुंचाओगे, ये मेरा आदेश है। मैं तुम्हारे इस भूल को एक बार क्षमा कर सकता हूं, किंतु दोबारा इस घर में गौ वंश के बारे में कोई बात नहीं होगी। हमने वर्षों से इनकी सेवा की है और करते रहेंगे। और एक बात सुन लो, अब मेरी दृष्टि तुम पर रहेगी, यदि इन्हें कोई व्याकुलता हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बलराम कृष्ण से कहता है, तुम बाबा से कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तो कृष्ण कहता है, मैं बाबा के बातों को स्वीकारता हूँ। फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस यज्ञ पूजा कर रहे होते हैं, तो महारानी अस्थि और अक्रूर वहाँ आते हैं। तो कंस कहता है, मुझे आशा है कि तुम सब यहाँ आने का कोई अवश्य कारण है, तो कोई शुभ समाचार है? तो महारानी प्राप्ति महाराज कंस से कहती है, एक शुभ समाचार है, आप एक पग आगे हो चुके हैं कृष्ण का वध करने के प्रतिज्ञा पूर्ण करने का। फिर महारानी प्राप्ति अक्रूर से कहती है, अतः महाराज को क्या शुभ समाचार है? तो अक्रूर कहता है, अष्टासुर वृंदावन पहुंच चुका है कृष्ण का वध करने के लिए, अब उसका वास भी कृष्ण के घर में है। तो महाराज कंस कहता है, ये तो सत्य में बहुत ही शुभ समाचार है, अब अष्टासुर को कृष्ण का वध करने के लिए कई अवसर मिलेंगे और मेरा प्रतिज्ञा पूर्ण होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण से कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन को परिवर्तन करने का कला जानते हो, फिर बाबा को क्यों नहीं समझाया? और जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा था तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तो कृष्ण बलराम को शांत हो जाने को कहता है। तो बलराम कहता है, कैसे शांत हो जाए, असुर हमारे घर में विराजमान है और वो कोई साधारण असुर नहीं है, वो कंस का भेजा हुआ असुर है जिसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा मृत्यु है। तो कृष्ण बलराम से कहता है, आप ये क्रोध अष्टासुर के प्रति है या सत्य में इस कारण है क्योंकि मेरे प्राण संकट में है? तो बलराम कहता है, तुम्हारा चिंता है मुझे। तो कृष्ण कहता है, यही होता है, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो वो आपके क्रोध का रूप ले लेता है, यही बात बाबा के साथ भी है। आप जानते हैं बाबा गौ वंश से कितना प्रेम करते हैं और आप यदि उनसे कहेंगे कि अष्टासुर को इस गांव से बाहर निकाल दे दो तो उनके दृष्टि में
एक साधारण सा बैल है तो उनका क्रोध भी आप पर बरस पड़ेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस हस्ती से कहता है, मैं तुमसे उतना ही प्रसन्नता हूँ जितना कि अक्रूर से हूँ। तुमने ही मुझे विनती की थी कि मैं ये हवन करूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे इस हवन का लाभ मिल रहा है। तो अस्थि कहती है, मैं तो ये हवन करने को इसलिए कहा था कि आपका मन शांत हो। तो कंस कहता है, इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कृष्ण का अंत होकर ही रहेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण से कहता है, अब हम रोकेंगे क्या? तो कृष्ण कहता है, इसका उत्तर तो समय ही देगा। तभी वहाँ राधा आती है और कहती है, समय का चाहे जो भी निर्णय हो, किंतु कोई असुर आकर मेरे कृष्ण का प्राण संकट में डाले, ऐसे मैं कदापि नहीं होने दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा कहती है, हम सभी ग्वालों की एक विशेष प्रथा है, हमारे घर आए गौ प्रजाति के किसी भी नए सदस्य का पहला भोग अति विशेष होता है और वो आहार खिलाते हैं जो विशेषकर उनके लिए अपने हाथों से। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।